Now, after completing the English workbook, take out your English copy, this copy, four-line copy, okay? Now, to make it more interesting, we are going to do some worksheet related to the sleeping line. So, student, will you complete this worksheet at home with the help of your parent? Parent will make such worksheet and given them to the child. ओके पेरेंट्स को ये वर्कशीट बना के बच्चों को देनी है. नाउ फर्स्टली पुट द हेडिंग इन द इंग्लिश कॉपी स्लीपिंग लाइन. दिस इज योर हेडिंग एंड पुट द डेट्स. टुडेज डेट्स मीन्स 22/5/20. दिस इज योर वर्कशीट नंबर वन. पुट इट अनदर हेडिंग वर्कशीट नंबर वन. Look at here, I have drawn a car. Okay, this is car and I have put few dots for the road. See, here we have put some dots. Parents will draw this picture and give it to the children. Okay, parents ko ye picture banani hai car ki. जैसे मैंने ये बना के दी है पिक्चर, आपको बच्चे को ऐसी पिक्चर ड्रॉ करके देनी है. दिस इज़ योर होमवर्क. राइट डाउन हियर HW. ओके नाउ यू कैन टॉक टू अ चाइल्ड रिगार्डिंग द कार एंड रोड. द चाइल्ड विल डू द कलरिंग हियर. फर्स्टली कलर द कार और एनी कलर यू चॉइस. I am doing coloring with red color. You color it like this. Okay? Don't go outside the margin. Okay? Children follow the margin. Mean, आपको लाइन के बाहर कलर नहीं करना है. Okay? You color it like this. Okay, now my car is completed. Now this road will complete either with the help of crayons or a pencil. I have used black crayons. You can also use black crayons. Okay, because I have. Now join all the dots. Like look at here. हेयर यहाँ कुछ डॉट्स हैं, है ना, दिख रहे हैं ना आपको. तो हमें क्या करना है, ज्वाइन ऑल द डॉट्स एंड मेक अ रोड. हमें क्या बनानी है, रोड बनानी है इस कार के लिए, क्योंकि कार तो रोड पे चलती है. अंडरस्टैंड? नाउ यूज ब्लैक क्रेयॉन्स कलर एंड ज्वाइन ऑल द डॉट्स. लाइक स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ ज्वाइन ऑल द डॉट्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, my first line is completed. Now come to the next line. Join all the dots very carefully. Yes, my road is completed. See? कैसा लग रहा है, लुकिंग नाइस ना? यस. ओके नाउ टर्न द पेज एंड टर्न द पेज. ओके नाउ फर्स्टली राइट डाउन HW हियर. ओके दिस इज योर होमवर्क एंड राइट डाउन टुडेज डेट मीन्स 22/05/2020 means 22/5/2020. ओके सबसे पहले आपको डेट डालनी है एंड होमवर्क एंड हेडिंग मीन्स
draw, draw sleeping. Nice. I have used pencil, but you can use pen also. Okay, parent, you can use blue pen. Now you will put dots, and remember to put the dots. Okay, put the dots on the third line, this one line. Okay, because when we write alphabets, either complete, capital or small, we will always start from third line. Means हम जब भी कोई अल्फ़ाबेट या लेटर लिखते हैं तो हम हमेशा इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, मीन्स थर्ड लाइन से. इसलिए हमें स्लीपिंग लाइन भी कहाँ ड्रॉ करनी है? थर्ड लाइन पे. तो पेरेंट, आपको डॉट्स कौन सी लाइन पे रखने हैं? दिस वन, है ना, यहाँ पे थर्ड लाइन पे. ओके, लाइक दिस. यू पुट डॉट्स लाइक दिस, मीन्स थर्ड लाइन पे आपको ऐसे टू डॉट्स रखने हैं. ठीक है, चिल्ड्रन ज्वाइन द डॉट्स, टू डॉट्स, दिस वन. ओके, एंड द चाइल्ड रिपीट, दिस इज स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्लीपिंग लाइन. फर्स्टली यू विल पुट सम डॉट्स लाइक दिस, वन एंड टू डॉट, वन एंड two dot, like this. Whole copy आपको सारी ही ऐसे इस पेज पे ऐसे dots put करने हैं. Okay parent? See, like this. ऐसे ही आपको पूरी कॉपी पे डॉट्स रख के बच्चों को देना है. अंडरस्टैंड? ऐसे टू टू डॉट्स, बिकॉज जो हमारी स्लीपिंग लाइन होती है वो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. चिल्ड्रन ज्वाइन द टू डॉट्स ओनली, चिल्ड्रन सिर्फ टू डॉट्स को ज्वाइन करेंगे. आफ्टर कंप्लीटेड दिस, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, पेरेंट इस तरीके का डॉट रख लेंगे, देन चिल्ड्रन ज्वाइन द डॉट्स एंड चिल्ड्रन रिपीट, दिस इज स्लीपिंग लाइन्स. नाउ लुक एट हियर हाउ टू ज्वाइन इट. स्टार्ट फ्रॉम दिस डॉट, ओके, फर्स्ट डॉट, लेफ्ट टू राइट, मीन्स ज्वाइन इट लाइक दिस. ओके, वन डॉट ज्वाइन टू सेकेंड डॉट लाइक दिस, दिस इज sleeping line. Join this like this is sleeping line. Okay, first dot join to second dot, which line is this? Is sleeping line. Join it, yes, like this. First dot join to second dot. Sleeping line always start from left to right, like this, like this. This is sleeping line, like this, like this. Okay children, आपके parent आपको ऐसे dot रख के देंगे और आपको क्या करना है? Join करना है dots को. आपको अपनी pencil यहाँ पे रखनी है and join it like this. Understand? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीपिंग लाइन? स्लीपिंग लाइन किसको बोलते हैं? समझ में आ गया ना? वेरी गुड. दिस इज योर टूडेज होमवर्क. ओके, आई एम गिविंग टू यू टू पेज होमवर्क. फर्स्ट वन इज, दिस इज वर्कशीट रिगार्डिंग स्लीपिंग लाइन्स. ओके पेरेंट, यू आपको क्या करना है? ड्रॉ करके देना है. एंड स्टूडेंट्स क्या करेंगे? रोड ड्रॉ करेंगे स्लीपिंग लाइन की हेल्प से. ओके,
नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट होमवर्क एंड दिस इज़ योर सेकेंड होमवर्क. ये आपके कॉपी का होमवर्क है एंड बुक्स का वर्कशीट वहाँ पे भी थी. आपको वो वर्कशीट भी कंप्लीट करनी है. ट्रेस द स्लीपिंग लाइन ऑन द बुक. अंडरस्टैंड? आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन? स्टैंडिंग लाइन मीन्स एकदम सीधी लाइन जो कि अप से डाउन होती हैं, एंड स्लीपिंग लाइन जो कि ऐसे जैसे हम लेटते हैं ना सोने के लिए, है ना, वैसे जैसे स्टार्ट होती है कैसे लेफ्ट टू राइट, दिस इज स्लीपिंग लाइन. ओके, नाउ इट्स ओवर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.